सो हेलो गाइस सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफ़ी सर वही लोग का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, पर्सनली व्हाट्सअप पे भी मैसेज आ रहा था कि हम 500 वाटेज में एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, बट हमें ये दिक्कत है कि हम ओहुजा का एम्पलीफायर ले 500 वाटेज में या स्ट्रेंजर का ले, दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर लॉन्ग टर्म तक टिकाऊ रहेगा और कौन सा एम्पलीफायर में अच्छा हमें साउंड सुनने को मिलेगा। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने वाला हूँ ओहुजा 500 वाटेज एम्पलीफायर के बारे में और स्ट्रेंजर 500 वाटेज एम्पलीफायर के बारे में, कि इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर हमें लेना चाहिए। जो कि गाइस सर, दोनों एम्पलीफायर हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग स्ट्रेंजर का भी लेते हैं और बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग ओहुजा का भी एम्पलीफायर बाई करते हैं। दोनों ही एम्पलीफायर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बिकता है और इसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग है, बट हम लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा। साथ ही सर, इस वाले एम्पलीफायर पे कितना लोड डालेंगे, ओहुजा पे कितना लोड डालेंगे, आप लोग स्ट्रेंजर पे कितना लोड डालेंगे और इन दोनों एम्पलीफायर का कितना प्राइस रहेगा, प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ऐसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओहुजा 500 वाटेज एम्पलीफायर और स्ट्रेंजर 500 वाटेज एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट रहेगा, कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा लोड लेगा और कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस सर, सबसे पहले हम बात करेंगे ओहुजा के हाई वाटेज PA पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर SPA 5000 EM देखने को मिल जाएगा। जो कि गाइस सर, एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल का लुक कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। जो कि इसके फ्रंट पैनल पे ओहुजा का ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर SPA 5000 EM मेंशन किया गया है। गाइस सर, यहाँ पर आप लोगों को मास्टर कंट्रोल के लिए वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट लेवल के लिए कुछ लाइट इंडिकेट देखने को मिल जाएगा। जो कि इस वाले एम्पलीफायर से जितना आप लोग आउटपुट अपने स्पीकर में दीजिएगा तो इस वाले लाइट इंडिकेट के द्वारा मालूम चलेगा। साथ ही गाइस सर, यहाँ पर आप लोगों को बेस और ट्रेबल कंट्रोल के लिए दो वॉल्यूम गेन देखने को मिल जाएंगे और गाइस सर, स्पीकर और हॉर्न सिलेक्शन के लिए एक स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि पार्टिकुलर आप लोग सेलेक्ट करके इजीली चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर गाइस सर, आप लोगों को ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इस वाले एम्पलीफायर के अंदर एक स्विच दिया जाता है, एक सिस्टम लगाया जाता है कि अगर आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पे ज़्यादा लोड दे देते हैं तो यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर सेफ रहेगा, पुनः एम्पलीफायर का पावर कट हो जाएगा और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन दिखा देगा, जो कि यहाँ पर रेड कलर का लाइट ब्राइट हो जाएगा। तो पुनः इसे रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक व्हाइट कलर का स्विच मिल जाता है, जो कि इजिली से प्रेस करके आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को पुनः रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है और गाइस सर, दोनों साइड में पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाता है, जो कि हैंडल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस वाले एम्पलीफायर का बैक पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि बैक पैनल पे सारा कुछ आप लोगों को फीचर मिल जाता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस वाले एम्पलीफायर के अंदर कोई भी आप लोगों को फैन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस सर, ये जो एम्पलीफायर है विदाउट फैन का है, जो कि ये एम्पलीफायर बहुत ही कम हीट होता है, इसलिए इसके अंदर कंपनी ने फैन का यूज नहीं किया है। चलिए गाइस सर, हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर के PA मोनो एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर PBT501 देखने को मिलेगा। जो कि गाइस सर, इस वाले एम्पलीफायर का भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हर डीजे वाले भाई लोग के पास ये वाला एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को भी पता है। इस वाले एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर PBT501 यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर भी आप लोगों को मास्टर के लिए एक वॉल्यूम गेन मिल जाता है और आउटपुट लेवल इंडिकेटर के लिए कुछ लाइट इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि इस वाले एम्पलीफायर को भी जितना आप लोग स्पीकर में पावर दीजिएगा एम्पलीफायर से, तो सारा कुछ आप लोगों को लाइट इंडिकेट के द्वारा मालूम चलेगा। बट गई सर, यहाँ पर आप लोगों को 3 वॉल्यूम गेन मिल जाता है, जो कि एक बेस कंट्रोल के लिए होता है और एक आप लोगों को मिड कंट्रोल के लिए होता है और एक ट्रेबल कंट्रोल के लिए होता है। तो गई सर, इस वाले एम्पलीफायर में एक्स्ट्रा एक फीचर मिल रहा है कि इसके अंदर मिड कंट्रोल के लिए वॉल्यूम गेन मिल जाता है, जो कि आप लोग अपने हिसाब से मिड सेट कर सकते हैं। जो कि इस वाले एम्पलीफायर को विदाउट मिक्सर के भी ऑपरेट करेंगे और मिड को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ओहुजा में मिड सेट रहता है, जैसा सॉन्ग रहेगा उसके अनुसार से ही मिड खुद एम्पलीफायर ही मेंटेनेंस करके देगा। साथ ही सर, इस वाले एम्पलीफायर के अंदर भी आप लोगों को ट्रिप का और टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाता है और गई सर, इसके अंदर भी ओवरलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग का एम्पलीफायर कभी ओवरलोड में चला जाता है तो इस वाले एम्पलीफायर को भी रीसेट करके इजिली चला सकते हैं। और ट्रिप का मतलब ये हो गया कि अगर कभी एम्पलीफायर के अंदर शॉर्ट सर्किट होते हैं तो इजिली ट्रिप कर जाएगा
और पुनः आप लोग इसे रिसेट करके चला सकते हैं। साथ ही की सर एम्पलीफायर में दोनों साइड में हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि हैंडल पे स्ट्रेंजर रेडियो का ब्रांडिंग मेंशन किया जाता है, जो कि आप लोग ओरिजिनलिटी की पहचान इस टाइप से कर सकते हैं। और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सर ये तो रहा एम्पलीफायर के बॉडी के ऊपर जो डिटेल और इसका स्पीकेशन है उसके बारे में आप लोगों को मैं समझाया कि इसके फ्रंट पैनल पे क्या फीचर है और इसके बैक पैनल पे क्या फीचर है। जो कि स्ट्रेंजर में 500 वाट इसके एम्पलीफायर में फैन भी मिलता है, जो कि एम्पलीफायर थोड़ा हीट होता है, इसलिए यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर फैन का भी ऐड किया है, जो कि इसके बैक पैनल पे फैन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए गई सर हम बात कर लेते हैं दोनों ही एम्पलीफायर के डिटेल और स्पीकेशन के बारे में। तो गई सर यहाँ पर जो औजा का एम्पलीफायर है SPA-5000EM, ये जो एम्पलीफायर है 500 वाटेज का एम्पलीफायर है, जो कि गई सर 500 वाटेज में आता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी बोलती है कि आप लोग इस पे 750 वाटेज तक का लोड डाल सकते हैं। लेकिन गई सर बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग तो ऐसे होते हैं कि 500 वाटेज का एम्पलीफायर तो है लेकिन इस पे 1000 वाटेज तक का लोड डालते हैं, और औजा एकमात्र ऐसा एम्पलीफायर है जो कि अपने क्षमता से डबल का लोड लेता है फिर भी उसका जो साउंड बिल्कुल ही नहीं फटता है। और गई सर यहाँ पर जो स्ट्रेंजर एम्पलीफायर है इसका भी पावर आप लोगों को 500 वाटेज ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंपनी यहाँ पर मेंशन नहीं की है कि आप लोग इस पे कितना वाटेज तक का मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई लोग इस वाले एम्पलीफायर पर भी काफ़ी अच्छा लोड डालते हैं और अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गई सर अगर मैं बात करूँ औजा के कंपेरिजन में, तो औजा का जो 500 वाटेज का एम्पलीफायर है और जो स्ट्रेंजर का 500 वाटेज का एम्पलीफायर है औजा से ये कम लोड लेगा। जी हाँ गई सर ये मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेंजर का 500 वाटेज का एम्पलीफायर है तो अगर आप लोग इस पे 700 और 800 और 1000 वाटेज तक का लोड डालेंगे स्ट्रेंजर पे तो इसका जो साउंड क्वालिटी होता है बिल्कुल ही फटने लगता है। यहीं पे जो औजा का एम्पलीफायर है अगर उस पे आप लोग 500 से ऊपर का लोड डालेंगे 1000 और 700 तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मस्त चलता है, लॉन्ग टाइम तक भी चला लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। साथ ही गई सर औजा के एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी 50 से 15000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा और गई सर स्ट्रेंजर का भी सेम देखने को मिल जाएगा। साथ ही गई सर औजा के स्पीकर आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो 4 ओम और 8 ओम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हरन कनेक्शन के लिए 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और गई सर यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है इसके अंदर भी आप लोगों को 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन मिल जाता है। बात करेंगे औजा के पावर सप्लाई के बारे में तो AC 220 वोल्ट करंट पर चलेगा, साथ ही औजा का एम्पलीफायर DC करंट पर भी चला पाएंगे, जो कि 36 वोल्ट 12 वोल्ट के 3 कार का बैटरी लगाएंगे तेजली चलेगा। लेकिन जो ये स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर है केवल AC 220 करंट पर ही चलेगा। अगर गई सर हम बात करेंगे एम्पलीफायर के वेट के बारे में तो औजा का जो वेट है आप लोगों को 25 kg 700 ग्राम देखने को मिल जाएगा, यहीं पे गई सर जो स्ट्रेंजर का वेट है वो आप लोगों को 21 kg 450 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो दोनों एम्पलीफायर के वेट में काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि गई सर औजा जो है इससे 4.5 किलो काफी ज्यादा हैवी वजन में आता है और स्ट्रेंजर जो है उससे कम वजन में आता है। लेकिन गई सर दोनों ही एम्पलीफायर का प्राइस भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो गई सर अगर हम औजा के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो औजा का जो एम्पलीफायर है ये 500 वाटेज का इजीली आप लोगों के मार्केट में 20,000 से 22,000 के बीच में कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गई सर यहीं पे हम स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका प्राइस 16,000 से 17,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गई सर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस का 6,000 से 7,000 के गैपिंग है। तो अगर आप लोगों के पास बजट कम है तो स्ट्रेंजर की तरफ जा सकते हैं, अगर आप लोग के पास बजट टाइट है तो आप लोग औजा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम मेन मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक टिकाऊ रहेगा, तो गई सर बॉडी और इसके क्वालिटी के टिकाऊ के बारे में बात करेंगे तो औजा यहाँ पर विनर होता है। औजा का जो एम्पलीफायर होता है 15 साल 20 साल तक भी अगर आप लोग सही कनेक्शन से और सही लोड डालकर चलाएंगे तो बिल्कुल ही इस वाले एम्पलीफायर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि मैं खुद पर्सनली औजा का 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि उसके अंदर 1 रुपया भी मैंने इन्वेस्ट अभी नहीं किया है, नहीं उसके अंदर कोई रिपेयर कराया है। बट गई सर उसके कंपेरिजन में जो स्ट्रेंजर है हमारे पास उसके अंदर कई बार फॉल्ट हो चुका है, तो स्ट्रेंजर एक सस्ता सुविस्ता एम्पलीफायर है। बट गई सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेंजर खराब एम्पलीफायर है, स्ट्रेंजर भी काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर है। काफ़ी सारे वे लोग लोकल ले लेते हैं, काफ़ी सारे वे लोग डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसलिए उनका जो एम्पलीफायर बार बार खराब होने लगता है। लेकिन मेरा तो इस वाले वीडियो का टॉपिक यह है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो अगर आप लोग के पास प्राइस 20,000 से 22,000 के बीच का है तो आप लोग औजा की तरफ ही जाइए, अगर आप लोग के पास प्राइस 15,000 से 17,000 के बीच का है तो आप लोग स्ट्रेंजर की तरफ जाइए। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम 5,000 ज़्यादा लगाकर औजा का लें या 5,000 कम लगाकर स्ट्रेंजर का लें, जो कि वाटेज तो सेम ही है लेकिन थोड़ा भी हो तो आप लोगों को क्वालिटी में अंतर पड़ जाएगा। औजा जो है क्वालिटी में बेटर रहेगा और स्ट्रेंजर जो है उससे थोड़ा 19 बजेगा और औजा जो है
इससे थोड़ा 20 बजेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर बेटर है और कौन सा हमें लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी की सर वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।